नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कानपुर, महिलाओं के साथ बढ़ते क्राइम को देखते हुए आज कानपुर महानगर में पिंक सिटी गोल चौराहे के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से 30 महिलाओं की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से DCP रवीना त्यागी महोदय जी, पूनम कपूर, रंजना शुक्ला सदस्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश शासन उपस्थित रहीं। साथ ही DCP रवीना त्यागी द्वारा प्रबंधन प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। जो भी महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर कैंप में आईं, उन सभी की समस्याओं को सुनकर जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। इसके अलावा आपका क्या फ़ायदा होगा, अगर आप ऐसी समस्या में हैं, आप मिस्ड कॉल मारने की स्थिति में हैं, सिर्फ कई बार मोबाइल ऐसा है, आप हो सकता है वहीं पे खड़े हो जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं वो वहीं हैं आसपास, तो आप बस साइड से मिस्ड कॉल भी अगर मार देंगी तो 112 पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखता है घरेलू हिंसा के संबंध में तो एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ से पूरी प्रक्रिया। ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस के कोई लोग हैं जिनका आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उसको हो सकता है आपकी बगल में सहेली हो जिनसे आपने अपनी समस्या साझा कर रखी हो, उनका भी अगर आप नंबर रजिस्टर करा देंगे तो उन्होंने अगर सुन लिया कि भाई इस तरीके से फिर से हो रहा है, इसके साथ तो कुछ दिक्कत में है ये, तो वो भी अगर कॉल करके बता देंगे 112 को तो प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। अब होगा क्या, अब जैसे ही एक्टिवेट हुआ आपने दोबारा कॉल किया, आपका पंजीकरण हो रखा था, आपने दोबारा कॉल किया, हमारी स्क्रीन पर 112 की स्क्रीन पर पहले ही वो ब्लिंक करने लग जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा कि ये तो वही महिला है जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, इनको पूर्व में भी समस्या आई थी, तो अब यहाँ से हम प्रबल प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे। प्रबल प्रतिक्रिया के क्या मायने हैं, पहले जाती थी एक पीआरवी वाहन, ठीक है, एक पीआरवी वाहन जाती थी जिसमें 3 या 4 कर्मी होते हैं, अब एक की जगह 3 वाहन पहुँचेंगे और उसकी सापेक्ष उतना ही पुलिस बल पहुँचेगा। तो एक पहुँचेगी महिला पीआरवी जिसमें महिलाएं बैठी होती हैं, तो 2 पुरुष होते हैं उसमें 2 महिला होती हैं, तो सबसे पहले तो महिला पहुँच जाएगी, महिला पीआरवी पहुँचेगी, साथ में ही एक पुरुष वाली पीआरवी पहुँचेगी जिसमें 3 पुरुष कर्मी होगा, नहीं तो थाने पर ले जाया जाता है और आगे कार्रवाई की जाती है। अब इसकी जगह अब प्रबल प्रतिक्रिया की एक योजना ही है, इसमें ये है कि अगर घरेलू हिंसा की कोई पीड़िता है तो वो अपना 112 पर कॉल करेंगी और बोलेंगी कि भाई मेरे साथ घरेलू हिंसा होती है और मुझे अपना पंजीकरण कराना है, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है, तो वो बोलेंगे ठीक है जी रजिस्टर कर लेते हैं आपको, वो कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो कई सारे फायदे होंगे, फिर आपका आपकी जो पूरी समस्या है पूर्व में जो आपको यातनाएँ दी गई, पहले क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या आप चोटिल हुई थी नहीं हुई थी, कितने वर्ष हो गए शादी को, कब से आपकी ये समस्या घरेलू हिंसा की चल रही है। खबर समय जगत के लिए कानपुर से श्रीकांत तिवारी के साथ ब्यूरो चीफ मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।